वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई सिंगम टू, सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात तो करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के, के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली तो अच्छे तरीके से हैंडल की, की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई सिंगम, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी तो की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुरली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू, सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ तो टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो प परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो, वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है, की, तो है तो की बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रज़ेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू, सामी, सिंगम सिंगम थ्री, आ, सामी सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ, उन्होंने जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई, सिंगम टू, सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है। उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई सिंगम, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ नाम सिंगम, टू, सामी, सिंगम सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली तो अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो पट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस हो मूवी के, के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रज़ेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू, सामी, सिंगम सिंगम थ्री, आ, सामी सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ, उन्होंने जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल है। तो करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई, सिंगम टू, सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है। उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई सिंगम, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर पूजाई इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्रीज़ से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुरली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो, वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू, सामी सिंगम सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुरली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो, वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्योरेन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्येशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली तो अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो प परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानव से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस, लो इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में, में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रज़ेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू, सामी, सिंगम सिंगम थ्री, आ, सामी सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग ईजिली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो प परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या यह बहुत ज्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहां पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहां पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई, सिंगम टू, सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक like किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है। उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न नाम सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर पूजाई इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग ईजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुरली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न यनाई, सिंगम, टू, सामी, सिंगम सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुरली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या हो इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल ज़ुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफ़िनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो प परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानव से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली तो अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सामी सिंगम, सिंगम थ्री, आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो इंडस्ट्रीज के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तामिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि, क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो प परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर काफी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूं तो यहां पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है <embroxv2> क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम टू सामी सिंगम सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर पूजा इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है है। उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ नम यनाई सिंगम टू सामी सिंगम सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर पूजाई इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है तमिल तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो उन्होंने जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग ईजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के, के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई एम डी बी रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई एम डी बी रेटिंग पर बात करेंगे कि तो तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन पॉइंट वन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंट परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रत्न नम, यनाई सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल ज़ुबान के साथ साथ हिंदी में अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना वेल तो जी साउथ इंडस्ट्री से हमें आए दिन कोई ना कोई न्यू मूवी हमें देखने को मिल जाती है जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा कंटेंट भी देखने को मिलता है अगर आप लोग भी साउथ इंडस्ट्रीज़ के फ़ैन हैं आप लोगों को भी इस तरह की मूवीज़ और सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे से एक्शन देखने को मिले ड्रामा देखने को मिले रोमांस देखने को मिले तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई एक ऐसी मूवी प्रजेंट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हां यहां पर मैं बात कर रहा हूं साल 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो 2024 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर किस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे विशाल देखने को मिल जाएंगे प्रिया भवानी शंकर देखने को मिलेंगी उसी के साथ साथ गौतम देखने को मिल जाएंगे योगी बाबू मुराली शर्मा समुथी रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हमें इस मूवी की कास्टिंग में देखने को जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है अगर हम यहीं पर बात करें इस मूवी की कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है एंड इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की हम सबसे पहले आई रेटिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो क्या रखी गई है तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्योंकि गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज दी जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर गूगल के यूजर्स की जानब से इसे सेवेंटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्शन देखने को मिल जाता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें जो है वो ड्रामा के साथ साथ रोमांस एंड और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल्स देने वाला हूँ तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या रखी गई है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है तकरीबन आप लोगों के सामने ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करने के बाद इस मूवी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से हैंडल की गई है बट क्या पास्ट में इन्होंने कोई मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रजेंट की हैं या नहीं की तो हाँ इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को कुछ मूवीज़ के नेम मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ तो उनमें आप लोगों को रथ यनाई सिंगम, टू, सामी, सिंगम, सिंगम थ्री आ, सामी स्क्वायर इस तरह की बहुत सारी मूवीज आप लोगों को इन्हीं की डायरेक्शन में देखने को मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट की गई हैं आप लोगों के सामने एंड हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज को एक एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहीं पर बात करें आप लोगों के सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशाल जो है वो तमिल इंडस्ट्रीज़ के हीरो हैं तो हाँ उन्होंने तमिल जुबान में ही ये मूवी बनाई है एंड आप लोगों को अभी ये तमिल जुबान के साथ साथ हिंदी में अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल रही है आप लोग इजीली इस मूवी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को डेफिनेटली एक चांस देना